हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड मेरा नाम है अमित और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं आपको HTX मॉडल या सोनेट के HTK प्लस मॉडल में जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है इसको डिस्क्राइब करने वाला हूँ। मेजरली तो मैं आपको एंड्रॉयड ऑटो जो वायरलेस इस गाड़ी के अंदर कनेक्टिविटी आती है वो कैसे कनेक्ट करते हैं उसके ऊपर ये वीडियो बनाने वाला हूँ। फ्रेंड्स ऑलरेडी इस मॉडल का जो स्टेयरिंग है और जो MID है इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और मैं ये आपका AC कंसोल वगैरह का भी ऑलरेडी एक वीडियो बना ही चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं उसमें। इस आज के वीडियो में मैं आपको जो इसके HTK प्लस और HTX मॉडल के अंदर एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कार प्ले की वायरलेस कनेक्टिविटी आती है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि वो आपको कैसे करनी है, कैसे आपको किया जा सकता है। फ्रेंड्स फंक्शंस की मैं अगर इसकी बात करूं तो बेसिक फंक्शन है, आपको ऑलरेडी मेजरली इसके फंक्शंस आते ही होंगे। ये आपका ट्यूनिंग के लिए है, ये आपका ऑफ और वॉल्यूम के लिए है, ये स्टार यानी कि आपको किसी कस्टमाइज करना है फेवरेट में डालना है तो यहाँ से और यहाँ से आप डाल सकते हैं, ये मैं लास्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। और ये मीडिया के सोर्सेज चेंज करने के लिए रेडियो, ये सीक चैनल चेंज करने के लिए ट्रैक और सेटअप के लिए है। फ्रेंड्स अब अगर हम चलते हैं डायरेक्टली एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस कैसे कनेक्ट किया जाए। फ्रेंड वायर के थ्रू तो आप इसको कर ही सकते हैं बशर्ते कि आपके फ़ोन में एंड्रॉयड ऑटो ऐप होनी चाहिए। यहाँ आप जैसे ही वायर से कनेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली इससे चल जाती है। बट वायरलेस प्रोजेक्शन के लिए दोस्तों आपके फ़ोन में कंपेटेबिलिटी होनी चाहिए। वो कंपेटेबिलिटी के लिए कौन कौन से फ़ोन्स और एंड्रॉयड का कौन सा वर्जन रिक्वायर्ड है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा। उसके लिए आप मेरी पूरी वीडियो देखते रहें। बट बिफोर दैट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा जिससे मैं फ्यूचर में भी आपके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना सकूं। तो दोस्तों अब मैं स्टार्ट करता हूं। फ्रेंड्स आप ये देखेंगे स्क्रीन के ऊपर एक ही राइट साइड में लोगो आ रहा है या स्प्लिट स्क्रीन आ रही है जिस पर लिखा हुआ है एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले आर अवेलेबल इन दिस कार, या आप इसको डायरेक्ट वायरलेस भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, ये आपको जो आपका फोन है ये आपने सिंपल से दो स्टेप करने हैं फ्रेंड्स। एक आपको अपने फोन का ब्लूटूथ ऑन करना है, ये आप अपने फोन का ब्लूटूथ ऑन करेंगे और यहां आप जाएंगे, ये तो खैर इसमें ऑलरेडी कनेक्टेड है। आपने फ्रेंड्स अपने फोन का ब्लूटूथ ऑन करना है, ये आप देखें ब्लूटूथ में आप जाएंगे, उसके बाद आपने यहाँ फोन का जो आइकन दिया हुआ है इसे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये इसमें क्योंकि ऑलरेडी मेरा एडेड है, नहीं तो आपको अपना फोन एक बार से ऐड करना पड़ेगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है। ये आप जाएं, ये आप जाएंगे, क्योंकि मैंने कैंसिल कर दिया था इसलिए अभी कैंसिल आ रहा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आपको ये ऐड करना होगा या आप ये देखें क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें एडिड डिवाइस है, उसके लिए मुझे अपने फोन पे भी ये पेयर न्यू डिवाइस करना होगा क्योंकि मैंने अनपेयर कर दिया था दोस्तों। ये देखें टैप टू पेयर विद किया मोटर्स, ये देखिए ये मैंने पेयर किया, अब ये पेयर हो गया दोस्तों। इस पे आप देख सकते हैं ऊपर लिखा आ रहा है एंड्रॉयड ऑटो अवेलेबल है, बट उसके लिए वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए आपको ब्लूटूथ के अलावा
अपने फ़ोन का वाईफाई भी ऑन करना होगा। ये आप देखें, इसका वाईफाई ऑन है। वाईफाई ऑन जब आप करेंगे तो आप यहाँ से एंड्रॉयड ऑटो आप वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये आप देखें दोस्तों, ये आप देखें, तो आपका एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस कनेक्ट हो गया। बट उसके लिए आपको अपने फ़ोन का ब्लूटूथ एंड वाईफाई दोनों ऑन करने होंगे, और दोनों ऑन करके आपको डिवाइस को ऐड करना होगा, तब आपका ये एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट हो जाता है वायरलेसली। जितने भी आपके नोटिफिकेशंस होते हैं सारे इस पर आ जाते हैं। ये देखिए आप दोस्तों, और फ्रेंड्स अगर कंपैटिबिलिटी की बात करूं कि कौन कौन से फ़ोन्स इसके लिए कंपैटिबल हैं या कौन सा एंड्रॉयड का वर्जन इसके लिए कंपैटिबल है, उसके लिए मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो बिल्कुल एक पूरी लिस्ट इस वीडियो के एंड में डिस्प्ले करने वाला हूं कि कौन कौन सी फ़ोन्स और कौन कौन सी एंड्रॉयड की वर्जन इसके लिए कंपैटिबल हैं। इसी तरह से आप एप्पल का भी कारप्ले यूज़ कर सकते हैं वायरलेसली। आपको ब्लूटूथ एंड वायरलेस वाईफाई दोनों कनेक्ट करने पड़ते हैं दोस्तों। अब ये देखें आप, मैं अगर अपने फ़ोन का वाईफाई बंद कर दूं, तो ये देखिए एंड्रॉयड ऑटो डिसकनेक्टेड। तो ये आपकी अगेन होम स्क्रीन थी। ब्लूटूथ मेरा अभी भी कनेक्टेड है, बट एंड्रॉयड ऑटो जो वायरलेस है वो डिसकनेक्ट हो गया। ये देखिए ब्लूटूथ अभी भी कनेक्टेड है, यानी मैं अगर कोई सॉन्ग प्ले करना चाहता हूँ तो वो अभी भी हो सकता है इसके थ्रू, मीडिया के थ्रू। बट अगर मुझे वायरलेसली कनेक्ट करना है तो आप ये देखें, ये आ रहा है मेरा फ़ोन, या वन प्लस 8T इसके लिए कनेक्ट, ये वायरलेस फ़ोन प्रोजेक्शन। ब्लूटूथ ऑलरेडी कनेक्टेड है यहाँ पर, वायरलेस फ़ोन प्रोजेक्शन के लिए मैं यहाँ कनेक्ट करूँगा तो मेरे फ़ोन के वाईफाई को ऑटोमेटिकली ऑन कर देता है और मेरा फ़ोन कनेक्ट हो जाता है। देखें अब मेरा फ़ोन कनेक्ट हो गया है। ये आप देखें, यहाँ आ रहा है मैप और ये आ रहा है एंड्रॉयड ऑटो, और एंड्रॉयड ऑटो के होम स्क्रीन पे आपने जाना हो तो आप यहाँ से प्रेस करके, टच करके होम स्क्रीन पे जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। एट द एंड में अभी ये लिस्ट डालने वाला हूँ कौन कौन से फ़ोन्स इसके लिए कंपेटेबल हैं एंड कौन कौन सी एंड्रॉयड के वर्जन इसके लिए कंपेटेबल हैं, क्योंकि कई सारे व्यूअर्स का ये कंसर्न आया था कि उनके फ़ोन में ये नहीं हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है, वायरलेसली कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो क्या रीज़न है। तो आई जस्ट शेयर अ लिस्ट विद यू एट द एंड ऑफ द वीडियो। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, जिससे मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड।